हेलो भाई, अरुण पवार इंडरी आपका स्वागत करता है अपने एक और नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे आज पवार ऑफिस फार्म पे जो भी आप कहना चाहो वहाँ पे बनने लग रहा है। अब यादव आपके हाथ से क्या बकरा मटन जिसे बोलते हैं ब्रो, आप हमारी इंग्लिश ऑडियंस है यार, आप क्या बकरा बकरा करते हो, बकरा किसी को समझ नहीं आता। तो भाई पिछली भाई बार बकरा ही सबको समझ आता है। भाई पिछली बार मैंने शेयर किया था कि हाउ टू मेक चिकन रेसिपी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू मेक मटन रेसिपी। तो शेफ हमारे रहेंगे यहाँ पे मिस्टर अभय यादव फ्रॉम बिहार, ये हमने स्पेशल अपने वो बुलाए हैं कि भाई शेफ कि आज मन कर रहा है फ्राइडे को, तो आप भाई आ जाओ और यहाँ पे मान ले चिकन बनाओ। अभी लाइट नहीं आ रही तो इसलिए थोड़ी लाइट कम है, इन्वर्टर से थोड़ा सा कम कनेक्शन करवा के रखना पड़ता है। तो अभय यादव आप बताइए शेफ, अपना पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या मत क्या बैकग्राउंड है, सब चीज करते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। चलो ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हमें। इसमें डाला है मिर्च प्लस लहसुन, ओके ठीक है। ऐसे ऐसे स्टार्टिंग से बताओ, हमने कढ़ाई ली, आग ली, ठीक है, उसके बाद तेल डाला सरसों का, ओके भाई, मस्टर्ड ऑयल, ओके मस्टर्ड, उसके बाद डाला इसमें हमने जीरा, हाँ ठीक है, दालचीनी, ओके, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, अरे भैया इतना सब कहाँ मिलेगा, उसके बाद मैं तो घबरा गया यार, इतना सब तो भाई कौन वो टिपिकल जो वहाँ पे बताते हैं यूट्यूब पे रेसिपी उनकी, तो हम वही देख के घबरा जाते हैं इंग्रेडिएंट्स ही। कभी तू देखता रहता है तो देखो, हाँ सूखे गरम मसाला दे दो सब मिल जाता है। अच्छा इतना इजी है क्या? फिर मेरे को दिख रहा है प्याज डाल दिया, फिर प्याज डाला इसमें, लहसुन डाला और हरी मिर्च डाला। अब शेफ साहब मेरे को एक और बात बताइए, बकरा और मुर्गा यानी कि मटन और चिकन में बनाने में कुछ डिफरेंस है या सेम प्रोसीजर है? मतलब प्रोसीजर तो सेम है, हाँ बस टेस्ट का फर्क है भाई और टाइम का। अच्छा आज हमारे साथ शेफ मिस्टर दिनेश जाट भी जुड़े हुए हैं, कैसे क्या उम्मीदें हैं, अच्छा बनाएंगे क्या ये लोग? ओके कारीगर है, इसको ठेकेदारी दिला दे, बिहार इसके यहाँ पे इसका रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं, लाइट तो लगी रही है यहाँ पे, मौज हो गई। देखो अब ये क्या चीज है भाई, भाई सारे वेजिटेरियन भाई अभी जा सकते हैं भाई। ये देखो अब मैं आपको नॉन वेज कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, वी आर नॉन वेजिटेरियन जो कि केवल भाई चिकन और मटन खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। अरे क्या उठा के ला रहे हो चुपके चुपके, इसमें और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे ना अभी, ओ मंगा रहा हूं अंदर, तो ये कब डलेगा? ये डलेगा अभी, इसका ये पाप की तीर लगे ना, ओए कितने एप्पल की चीची, ये डब्बे डाल दे, कहां तगड़ो बनेगा यार, उतना ही बनाए बाप, एप्पल ये रहा, अरे घेर दिया भाई, कुछ भी रहा यार, ओ फिर बात आ जाएगी, जैसे इसने पिछली बार बिगाड़ा था, हाँ। तूने वीडियो में देखा था, पहले अभी गरम है तो अभी ये लो डाल ले, हाँ फिर वही बात ना। और अभी तो प्याज भाइयों मेरे को एक और चीज बताओ, आकाश भी कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, जैसा कि आप सबको पता है मैं जिम कर रहा हूँ, डाइट पे चल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है? ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्दी है ना अबे भाई, क्योंकि अब मैं जो भी खाता हूँ वेज ही खाते हैं ज्यादातर, मतलब जब भी मैं कुछ भी खाता हूँ तो लिखता हूँ इज इट गुड फॉर वेट लॉस, तो मटन में मैंने देखा तो बॉइल्ड वगैरह खाएंगे तो रहेगा, पर ये लोग तो पता नहीं कैसे बना रहे हैं यार, भगवान जाने, भाई पूरा टाटा सॉल्ट लेके आ रखा है, धनिया मसाला पाउडर, लाल मिर्च, भाई साहब देखो नमक स्वाद अनुसार, ओके भाई रात में बनाने में भी अलग ही मजा आता है, आप देख के बताते हैं भाई साहब, ले कमाल के होगा यार, ये के जुटी कर दी, और क्या लेगा इसमें, फांस काट दी जी, फांस काट दी, जय हो, ये नमक पता किसने डाला है, अच्छे से पिघल जाए, ओके प्याज अच्छे से पिघलेगा, क्यों जरूरी है प्याज पिघलाना, नमक से ना जल्दी चीजें पकती हैं, किचन तो अंदर है, ये कहाँ बना रहे हैं, ठंड में जाड़ा लग रहा है यार, भाई 7 बज रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है यार, दिसंबर का महीना चल रहा है, शेफ अपनी जैकेट तो पीछे से ढक लो, फिर आप मेरे पे लगाओगे केस कॉपीराइट का, कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब क्या करने जा रहे हो? अभी उसको रख दूंगा मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए, तो आकाश दबा ले, 5 मिनट पकने के लिए, ओके वो तो पड़ चुका है,
जैसे पिछली बार गार्डन में पढ़ा था ये पढ़ चुका है। टमाटर का क्या काम है, तुम लोग टमाटर भी लेके आए हो? नहीं, टमाटर भी डलता है भाई मटन में। तो तूने डाला तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं डाला। अच्छा डलेगा, ओके। लाइक करें दिनेश, लाइक करें। अभी भाई देखो हमने तब तक कुक किया है जब तक एकदम ब्राउन नहीं हो जाता है ना भाई शेफ, पूरा गल जाना होता है इसको। जब तक ये पूरी गल जाएगी ना उसके बाद में ग्रेवी एकदम गाढ़ी गप बनेगी, पानी की जरूरत नहीं बनेगी। भाई देखो ये हमारा ब्राउन हो चुका है एकदम से। और अब अब यादव ने बोला था कि भाई मेरे आने से पहले, अरे मैंने ऐसे थोड़ा कहा था, मैं कहता जब हो जाए तो डाल देना। ओहो, आके लड़ता कि मैं ये करता वो करता, ये क्यों कर दिया, इसमें क्या करना था मुझे, तू कह के तो गया था कि अब भाई नेक्स्ट स्टेप ये डल गया। अब थोड़ी देर पकेगा यार इनमें, यूं पकेगा, पानी वानी कुछ ना गिरना। हाँ। ब्रो क्या प्रोग्रेस है, क्या होगा, क्या प्रोग्रेस है, कैसे कितना टाइम हुआ है अभी बनने में, ये तो देख लो। इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्या बयाद? ओके, क्यों क्यों? अरे मतलब देर को भी नहीं मिला था, काफी टाइम हो गया। ओहो कितना टाइम लगाएंगे, 7:15 के बीच में ना भाई, विदाउट धनिया मजा नहीं है। 8:20 पे नहीं, अरे लगा था टाइम तो यार, देखने में तो अभी से बड़ा मस्त लग रहा है यार अबे। खाना सोडा क्या होता है, ये बनने का मतलब होता है कच्चा नहीं देगा जल्दी पक जाएगा, जल्दी नहीं पकाना, कोई टाइम नहीं है, नहीं डालता ये सब। क्यों भाई ना, उसे अरे बनने दे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखो कि बेकिंग सोडा से जल्दी पकता है। लेकिन कोई नहीं, कट हो जाएगा। शर्मा रहा है दिनेश, कुछ तो बात है, सीक्रेट जो इन्होंने कटवा दिया पता नहीं क्या। पानी क्यों डाल रहे हो भाई, ग्रेवी ना चाहिए भाई, इतना सा पानी एक गिलास, ये भी पूरा नहीं डालूंगा है तो भाई ग्रेवी बनाना बढ़िया। इतना ग्रेवी है नहीं खाते कोई, ग्रेवी चाहिए भाई यहाँ पे। ओके भाई ग्रेवी बना दे बढ़िया, तो उड़ जाएगा जितना उड़ाना चाहे। सही बात है, काश की पानी तो अपने हाथ की चीज है, तो ले भाई फिर और ले अगर तेरे को ज्यादा भाई टेस्ट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि तुम पानी पानी धोज दो इसमें ना। चलो यार ठीक है, चलो तू टाइम देख के बता। अभी तो अब यादव कह रहा था एक ही आधा ही डालूंगा, अब एक और ले आया, इतने में बना देता, पर आकाश कह रहा है कि और ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी ज्यादा चाहिए इसलिए हाँ। पानी डाल रहा हूं और पानी। यस, अभी ये पकेगा ना तो इसमें पानी जल भी जाएगा, पानी बहुत पीछे ठीक है। ए वाह, हां बा अब नहीं डालेगा, बस यही बहुत बहुत बहुत, अरे ये तो कुछ भी ना हो रहा, गिर दी नहीं ऐसा भाई, चल दे इसको बात मर जाएगी भाई, सब मान जाओ भाई। यहाँ पे ऐसे डिबेट होता है कि नहीं ग्रेवी किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को मॉडरेट चाहिए, भाई इसमें क्या कर, पीछे वाली बात आ जाएगी, पानी गिर लो क्या मार दो लोगों, तो भाई कितना ही डाल लो, गिर देना देखिए, गिर देना। वो नमक मसाले मिर्च हो गया सब, अच्छा जी वो कैसे कैसे स्वाद अनुसार डालना होता है ना, वो तो मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब मीट डालने से पहले डालना पड़ता है क्या, मीट को प्याज में भून लेने के बाद 15-20 मिनट उसके बाद मसाले डालने होते हैं। ओके समझ गया मैं, बस भाई हो गया, अब इसने ढक्कन ढक दिया है, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा पकने के लिए, बस स्टीम क्लोज करके फिर इतने में हो जाएगा काम, बस इतने में हो जाएगा अपना काम। अब इसने जो माथा पकड़ रखा था भाई, तेरे वीडियो की वजह से ये सब हुआ है, क्या हो गया मैंने पहले क्या बताया था, जो कब टमाटर कब गिरेगा, पहले इसे पूछ ले टमाटर के ना, आप गिरा या अब गिर दो उसमें, टमाटर तो गिर दे भाई यार, अब गिरने यार, अरे ऐसी गलती भाई लोग आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि टमाटर के बिना टमाटर के तो पता ही नहीं चलेगा, मजा आना चाहिए भाई, वही तो कह रहा हूं, 660 रुपए किलो हम लेके आए हैं भाई, हमारे यहाँ चिकन है, आपको मैं रेट का आइडिया दूं तो 160 रुपीज, और अगर आप इसकी बात करोगे मटर, एक मटर के लिए जा रहा हूं बस, मतलब
500 रुपए महंगा भाई मटन। 500 रुपए चलो अब वो डालने गया है। आकाश भाई आप भी थोड़ा हाथ बटा लो अबे यादव का। चलो नहीं बटा रहा अबे, आकाश ने तो इग्नोर कर दिया मेरे को। एक टमाटर बहुत होता है कि ब्रो, ये वैसे कब डालना चाहिए था? ये ना जब चिकन डाला था उसके जस्ट थोड़े, चिकन नहीं मटन। मटन क्यों 500 रुपए कम कर रहे हो? मटन के जस्ट बाद डालना होता है ताकि अच्छे से पक जाए। ओहो थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। ओहो यार भाइयों हो जाती हैं मिस्टेक्स, जिंदगी है क्या करें। क्यों अबे बिल्कुल जिंदगी में मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? बिल्कुल। लो ओ यार तेरे पर टमाटर भी काटना आता है एकदम प्रोफेशनल। तूने कहाँ से सीखा मटन बनाना वैसे ये तो बताओ? भाई मैं बचपन से कुकिंग कर रहा हूँ। हैं? हाँ मैं 8 साल की उम्र से कुकिंग कर रहा हूँ। कैसे माँ बाप ने तुरंत ही लगा दिया था कि चल बेटा खाना खाना बनाने के लिए पैदा किया था क्या आपको? नहीं अकेले रहता था मैं फरीदाबाद में तो खुद ही पकाता खाता। अरे कितनी कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है भाई। तूने तो काफी बात सुन रखी है। बताओ बेचारा अकेला 8 साल की उम्र में बाहर भेज दिया घर वालों ने कि जा बेटा पढ़ ले, पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन। लो भाई टमाटर भी डलिए अपना, मजा आ जाएगा आज तो है ना, निखालस मजा आ जाएगा। अबे भाई ने कुछ अपडेट दिया है हमको। हाँ जी ब्रो क्या क्या स्टेटस है? मेरी तरफ से तो बन गया। बन गया बस यस पक गया। इतना आसान है क्या ये? अब तुम लोग टेस्ट कर लो एक बार, आकाश को दे दे एक बार ना। भाई देखो 8:11 पे हमारा हो चुका है, अब आकाश हमको जरा थोड़ा टेस्ट करके बताएगा कि आकाश को हमारे को कैसा लगा। आकाश भी खुद भी एक शेफ है, ये भी अच्छा बना लेता है, तो भाई एक शेफ दूसरे शेफ को अभी रिव्यू देने वाला है कैसा है। ये दोनों चाहे तो एक बहुत बड़े फूड रिव्यूअर्स व्लॉगर्स बन सकते हैं, पर भाई नहीं बनते अब क्या करें। मैं तो खूब समझा लिया इनको, आप लोग बोलो इनको बस सही है कि इनको अलग अलग रेसिपीज बनानी चाहिए। अभी तो कह रहा हूँ सही है। मैं मसाले कह रहा था। अबे पानी और डाल दे बेशक। मैं कह रहा था बेकिंग सोडा डाल दे। ये पकाना है ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आराम से पक जाए। मैंने तो इतने बोली मुर्गा बना लो यार चिकन, सस्ता और बढ़िया अपना स्वाद भी आता। मुझे ये कहते भाई क्या आलू खाता है रोज रोज आलू का क्या करेगा, पर भाई अब आलू कहते हैं बताओ चिकन को होता है। मुझे तो वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है इससे ज़्यादा। सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, लोग इसको टेस्टी बताते हैं पर मुझे तो नहीं लगता यार। कोई व्लॉगर की कोई इज्जत ही नहीं है, सब ऐसे इग्नोर करके भाग जाते हैं। देखो यार है बता भाई। अरे कच्चे और भी खराब होता हूँ। कत्ते ही ना पको हार्ड है ना। क्या कितना टाइम लगा रहे, भूख के मारे जान निकल रही है यार। सोडा तो नहीं डालूंगा। क्यों? एक गिलास पानी और लेके चल दिया। पहले ही भाई पानी अपना इतना सफिशिएंट रखो आप लोग कि ऐसे बाद में ना। धनिया रेडी हमारा डालने के लिए। पका पका यार, फिर कच्ची में ना मजा सो ना आवे। सुन बता रहा हूँ क्या होता है, अगर देख बकरा छोटा है मतलब कच्चा है अच्छा तो जल्दी पक जाए। जिंदा जिंदा कच्चा है तो अगर कैसे क्या कह देंगे? मतलब जैसे एक होता नहीं है बूढ़ा बकरा हुआ हाँ। पका पकाया हाँ। तो वो जल्दी नहीं पकता धनिया लेके हाँ। तो ज्यादा ये इसका होता है हाँ। तो हम ये इसके होते हैं जल्दी पक जाते हैं। ओके तो ये ज्यादा ये इसका था क्या? मुझे लग रहा है इतने देर में पक जाता है यार। हाँ यार एक घंटा तो हो लिया। और यहाँ के बकरे और वहाँ के बकरों में फर्क है क्या? हमारे यहाँ के बकरे छोटे हो मतलब दूसरी ब्रीड के होते हैं। हैं? हमारे यहाँ राजस्थानी बकरे होते हैं बड़े वाले। वो फ्राई करता है ले जाते ऐसे पता चल जाता है वो बन गया, उसे कच्चा कच्चा सा मार देते हैं। ओके चला के यारो। ओके सर सच वो तरीके रिपटमा से मारते हैं। आ खाओ बकरे कितने मजा तरीके राजस्थानी के लिए। तुझे चिकन ज्यादा अच्छा लगता है या मटन? ऐसा ही लगता था। मुर्गा अच्छा लगता है या बकरा? दोनों चीज बराबर लग जा रहे हैं। और अच्छा लगता है कब खिलाएगा उसको? वो तो मैं आपको बताता रहा हूँ ना कभी भी बनेगा ना जब देखिए ना उसे देसी मुर्गा खा के तो घी में इतना मजा आएगा तेल में नहीं पता चलेगा। वो तो अजीत लाया था इतनी जब खाया था मैंने। तू कब खेल तू कब बनाएगा उसको? उसको चलो जब कह देंगे जब।
भाई अब सबर का बांध टूट चुका है, 8:30 हो चुके हैं, अबे खत्म कर, पके ना पके छोड़, धनिया डाल भाई, हो गया बस। भाई धनिया ही तो असली चीज है यार, किसी भी चीज में करते बंद कर दे बेशक। ओके तुरंत ही क्या खुशबू आ गई यार, ये लो हो गया बंद, और अब हम खा के बताएंगे कैसा बना था उस दिन। भाई इसने चिकन तो भाई साहब, मेरे पास एक कमेंट भी आई थी भाई, मैंने सेम बनाया और बहुत लाजवाब था। अबे भाई की रेसिपी को फॉलो करते हुए इंस्टा पे भाई कह रहे थे, मैंने अभी स्टोरी डाली कि भाई इसकी रेसिपी जरूर आनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल। उतार दे बस भाई, बहुत हो गया, डन खत्म ना। हाँ, बंद कर दी ना। हाँ, बंद कर दी। चलो अब है नंबर खाने का, ठीक है भाई, खाने के बाद आपको रिव्यू देते हैं। ओके भाई, अरे आ गई कटोरी आकाश पे रुका नहीं जाता लगता है। अच्छा पहले ट्रांसफर हो जाए थोड़ा। यस आया को पापा नहीं आए थे और पापा के लिए घर पे लेके गए थे वो, बताओ कैसे ऑर्डर हो गई। पापा बाहर बैठ के खा लेंगे। लाई कर बढ़िया रही, थैंक यू। अब तू अपनी प्लेट में घाल ला। हाँ चलो अब तो अपने सब में घाल के ठीक। चलो अब है फाइनल भाई रिव्यू टाइम, दिनेश खा के बता भाई। भाई साहब खाने में ऐसा मजा आ रहा है, खा के तो देख भाई साहब। ये ले लिया हमने हाथ में है, अब चाटते हैं इसको। दिनेश प्रॉपर रिव्यू देगा भाई। वाह भाई साहब बड़ी मजा आ गई। ऑनेस्ट रहना है ब्रो, मैं खाता हूँ। धनिया भी लग रहा है इसमें, धनिया भी है बिल्कुल। भाई लुक्स डिलीशियस, अभी बस देखने में डिलीशियस। अरे छोड़ो, और सलाद भी देखो, अरे गरम सलाद भी लगते थे इसके साथ में, वो सलाद भी खाएगा। वाह वाह दिनेश के भाई साहब, ये दोनों तो गए रोटी लेने घर पे। अभी कोई नहीं, हम इसमें दो जने बैठे हैं अभी। आगे जाले का गेट खोलिया भाई, मान गया मैं यार, भाई कसम से मान गया यार। थैंक यू, क्या डिलीशियस है भाई, तुम लोग भी लो ना। डिलीशियस है, अरे डेमी बेचारे दे ऐसे अफर रहो कि जल्दी दो, दे देंगे हैं, दे दो यार। अब भाई सच में बहुत फांस काट दिया मैंने भाई, गुड मजा आ गया भाई, बिल्कुल भाई आप भी जरूर ट्राई करना, यू विल लव इट यार, लव इट। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग भाई, रात का मटन पचाने चलते हैं, चलो जिम होके आते हैं, वर्कआउट मारते हैं। आज अपना सातवां दिन, सेवंथ डे आज अपना। मटन पचा लिया भाई एक घंटे एक्सरसाइज करके, भाई रेगुलर जा रहा हूँ, आज सेवंथ डे है, मजा आ गया मटन खा के, और इतना ही मजा आ गया फिर एक्सरसाइज करके। यही है यार, खा लो ना फिर पचा लेना चाहिए, उसकी कैलोरी जो हमने ली है उसको एक्स्ट्रा निकाल देनी चाहिए। क्यों योगी भाई, बिल्कुल योगी बड़ा चमक रहा है आज तो, मैचिंग पहन के पूरा ए टू जेड। कचौड़ी खा गया गुंडे सोना नहाने गया था सुबह से, कचौड़ी पेल आया तो नहीं हो पा रही थी ज्यादा तेरे से। कचौड़ी खाने के बाद भाई नहीं भाई, इसके मन में ऐसे आ गया कि मैंने कचौड़ी खा रखी है इसलिए नहीं हो पा रहा, वरना तो यार एक कचौड़ी इतने बड़े शरीर के लिए क्या ही करेगी। चलो भाइयों ये थी अपना मटन रेसिपी, कैसी लगी आपको जरूर बताएं, अपना खाइए, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बना के ट्राई करिए, बड़ा मजा आता है। कहीं तरह की गलतियां मत करना जो लिटिल लिटिल गलतियां कर रहे थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।